Hi everyone, my name is इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनचेक्स के बारे में राइट अनचेो कॉल्ड रन टाइम एक्सेप्शन में हमने डिस्कस किया था चेक एक्सेप्शन के बारे में राइट विथ एग्जाम्पल वी है अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर वस, right? हम बात करते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन के बारे में ठीक है देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है

एक्सेप्शन uh, हो गया इीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन हो गया ये सब बेसिकली जो आता है ना ये रन टाइम पे ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ना चलिए अगर यहां आपका छूट गया तो आप देख लो ठीक है तो आज हम डिस्कस करने वाले ये सारी प्रैक्टिकल अभी हैंडल नहीं करेंगे जो रन टाइम पे जो एक्सेप्शन आता है ना हम उस चीज को देखने वाले उसको हैंडल करने के लिए कीवर्ड्स होता है वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस ठीक है चलिए तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं मैं एक क्लास बना लेता हूं सबसे पहले मैंने फाइल बनाया फाइल का नेम मैंने दिया चेक डॉट जावा कुछ भी दे सकते हो आप लोग क्लास का नेम दे देता हूं मैं अनचेट अनचेट ठीक है क्लियर कुछ भी दे सकते हो आप क्लास का नेम ऐसा नहीं जो मैं दे रहा हूं वही देना है आपको अब यहां पर मैं क्या करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन ठीक है मैंने यहां पे लिख दिया टेन वाई जीरो अब ये जो बेसिकली होता है ना ये कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन चेक नहीं होता है ना तो ये आपका आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए -ए करके देखते हैं जो डेस्कटॉप पे फोल्डर है मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ सी डी जावा नाम का फोल्डर है जावा नाम पे एंड जावा सी चेक मेरा फाइल का नेम है चेक डॉट चाव चलो देखो बेसिकली कंपाइल टाइम पे कोई भी वार्निंग हमारे पास नहीं आया ठीक है कंपाइल टाइम पे बेसिकली एक्सेप्शन नहीं आता याद रखना कंपाइल टाइम पे आपका वार्निंग आता है वार्निंग इन द सेंस आप बोल सकते हो कि ये जो बेसिकली आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है एक्सेप्शन आ सकता है तो उसको हैंडल करने के लिए आप ट्राई कैच या थ्रूज की वर्ड यूज करो ये आपको बताता है कंपाइल टाइम पे कंपाइलर ठीक है ना चलिए ऑलरेडी हम डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में अब तो छूट गया आपका तो देख लो एक बार ठीक है हमने class का name दिया। देखो यहां पे क्या आ रहा है एक्सेप्शन और मैंने यहाँ पे जो लिखा है देखो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन चलिए इसको देखते हैं हम लोग ठीक है तो मैं यहाँ पे कोई एक एरे ले लेता हूं टाइप का एरे का नेम ले लिया ए डबल आर कुछ भी ले सकते हो देन मैंने यहां कुछ वैल्यू ले लिया क्लियर है पॉइंट एंड देन मैं यहां पे प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एन यहाँ पे मैंने किया जो एरे है आपका मैं इंडेक्स नंबर नाइन पे कौन सी वैल्यू है जीरो नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होता है जीरो वन टू थ्री लेकिन मैंने नाइन दे दिया नाइन तो है ही नहीं ठीक है चलिए तो इस केस में आपका एरर आना चाहिए चलिए देखते हैं देखो यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बाउंड एक्सेप्शन क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कमेंट नहीं करूंगा तो फिर ये नहीं चलेगा फिर यही एरर प्रिंट करेगा रेस्ट ऑफ द कोड आपका चलेगा ही नहीं ठीक है चलिए अब नेक्स्ट देखो यहां पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी देखते हैं तो मैंने यहां पे क्या किया इंटीजर इंटीजर आई इक्वल टू मैंने यहां पे ले लिया इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन ठीक है और यहां पे मैंने लिख दिया सपोज करो दीपक देन मैं इसको प्रिंट करा देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रिंट चलो ये तो इसी में दे देगा वैल्यू तो हम यहीं पे पास कर दिए तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं चलिए इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं ठीक है है फाइन तो देखो यहां पे आ रहा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्योंकि ये देखो इंटीजर है हमने वैल्यू ऑफ फंक्शन के अंदर क्या दिया है हमने यहाँ पे स्टिंग पास किया है क्लियर पॉइंट आई होप क्लियर है ठीक है चलिए इसको भी कमेंट करते हैं नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल और एक दो देखते हैं हम लोग चलो कैस आ, क्लास कास्ट एक्सेप्शन देखते हैं ठीक है हम यहाँ पे क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट क्लास का ओ जे मैंने वेरिएबल बना लिया इक्वल टू ऑब्जेक्ट आपका जो होता है ना सबका पेरेंट क्लास होता है याद रखना ठीक है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था देन मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज करो मैंने दीपक क्लियर है एंड देन इंटीजर इंटीजर ए इक्वल टू यहां पे दे देता हूं मैं टाइप कास्ट कर देता हूं इंटीजर और यहां पे पास कर दिया मैंने बी जे ऑब्जेक्ट को जो रिफ्रेंस वेरिएबल बनाया बनाया मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया और इसको प्रिंट करा देता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट Print तो इस केस में देखो ये आपका ऑब्जेक्ट क्लास का है ठीक है और ये इंटीजर में हमने टाइप कास्ट किया है चलिए देखते हैं क्लास कास्ट एक्सेप्शन आता है कि नहीं कंपाइल्स फाइन देखो पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है ठीक है चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट वन इज इलीगल आर्गुमेंट वाला देखते हैं ठीक है चलिए तो हम यहां पे क्या करते हैं इंड ए इक्वल टू मैंने यहां पे ले लिया माइनस टेन ठीक है माइनस निगेटिव वैल्यू इंटीजर टाइप के वेरिएबल में स्टोर किए और यहां पे मैंने कंडीशन लगा दिया जो ए है लेस देन जीरो ठीक है एंड देन यहां पे मैं थ्रो करा दिया थ्रो करा दिया थ्रो की वर्ड हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं illegal illegal argument exception और यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूं मैं सपोज करो अरे क्या दे हम्म तो यहाँ पे रेडियस निकाल लेता हूँ मैं रेडियस दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ रेडियस और यहां पे एक्सेप्शन में मैसेज मैं दे देता हूं क्या रेडियस मस्ट बी नॉन निगेटिव ठीक है ऐसा दे दिया मैं चलिए देखते हैं इसको भी कंपाइल करके क्या आता है हमारे पास मैं इसको कंपाइल करता हूं देखो कंपाइल कंपाइल हमने क्या दिया है यहाँ पे नेम ए ए ए तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया रेडियस क्योंकि हमने वहां पे चेंज कर दिया ना वेरिएबल चलिए अब मैं इसको चलाता हूं एक बार लेट चेक देखो कंपाइल्स फाइन हैं रन टाइम पे देखो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन रेड रेडियस क्या लिखा है मस्ट बी नॉन निगेटिव ठीक है क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है तो ये बेसिकली जितने हमने डिस्कस किया ये सारे देखो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ रहा है ना क्लियर है ना पॉइंट इसको हैंडल कैसे करेंगे विथ की ठीक है ना वी विल डिस्कस इन द अपकमिंग ठीक है अपकमिंग विडियोज में हम बात करेंगे तो आज हमने डिस्कस किया कि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है विथ एग्जाम्पल हमने कवर किया ठीक है ना ये सारे सब जो है आपका अनचेक्ड एक्सेप्शन है विच इज हैंडल बाय जेवीएम ठीक है क्लियर है इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है ठीक है कि आपका रन टाइम पे बेसिकली जो एक्सेप्शन आता है दो चार एक्सेप्शन का नेम बताओ तो ये सारी चीजें पूछा जाता है इंटरव्यू में ठीक है अब इसको ये जितने हमने डिस्कस किया ना इसको अपकमिंग वीडियोस में हम हैंडल भी करेंगे यूजिंग ट्राई कैच ठीक है ना तो आज इतना ही आप इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिकल करो ठीक है प्रैक्टिकल करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा अदरवाइज नहीं ठीक है एंड लाइक like करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो यार ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो थैंक यू बाय